तो पूरे स्क्वाड को मार देती, दो नंबर टैंक। अगर वगैरह हो गया यार, तुम्हारे 14 किलो गए थे जल्दी। रामपुर ग्लेशियर है आपके पास। गाइस क्रेजी गेमर्स बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। अब गाइस जो आप लोग ने स्टार्टिंग में रैंडम के रिएक्शन सुने भाई, वो इसी गेम प्ले के हैं। और ये वाले गेम प्ले में आप लोग को इतने खतरनाक खतरनाक क्लचेस देखने को मिलेंगे, जिसको देख के आप लोग को काफी ज्यादा मजा आएगा। और भैया रैंडम को तो आएगा ही, इसलिए वो रिएक्शन देंगे। अभी बात करें तो अभी तुम्हारा भाई लैंड कर रहा है मिलिट्री बेस में। उतरते ही मेरे को M249 मिलती है, और भैया जैसे ही मेरे को ये गन मिलती है तो मैं बंदों को देखने लगता हूँ। लेकिन भैया बंदे तो अभी पैराशूट से उतर रहे थे, कोई आसपास में नहीं था, इसलिए तुम्हारा भाई नीचे कूदता है। और यहाँ पे मैं जैसे ही कूदता हूँ तो मैं आगे जाने लगता हूँ, तभी मेरे को ये वाली बिल्डिंग के ऊपर से फुटस्टेप आने लगते हैं। और बस देखो फिर अब यहाँ पे मैं उतरते तीन बंदों को नॉक कर देता हूँ, और इसको मैं फिनिश भी कर देता हूँ जो मेरी बिल्डिंग के ऊपर रहता है। और इसको फिनिश करने के बाद इससे मेरे को M4 मिलती है, और M4 उठाने के बाद तुम्हारा भाई आगे जाने लगता है। तभी एक बंदा और दिखता है, और बस देखो फिर और भाई फाइनली यहाँ पे तुम्हारा भाई उस बंदे को भी नॉक कर देता है। और जो मेरे टीममेट रहते हैं वो वाली बिल्डिंग से मेरे सारे किल कंफर्म कर देते हैं। और यहाँ पे अब साइड से कोई भी नहीं रहता, जो भी बंदे रहते हैं वो लेफ्ट की तरफ में रहते हैं, और एक आध साइड टावर पे रहता है, तो उसको भी देखते हैं। तो चलो भाई फाइनली इसी के साथ मैं टावर वाले बंदे को भी नॉक कर देता हूँ। टावर वाला बंदा मेरे टीममेट को मार रहा था, तुम्हारे भाई ने उसको पेल दिया, लेकिन यार वो बंदा नॉक हुआ उसका मतलब उसके टीममेट होंगे, तो उसे भी देखेंगे। लेकिन लेफ्ट की तरफ जो थोड़ी बहुत बिल्डिंग है वहाँ पे कुछ बंदे हैं, तो उधर भी जाके चेक करेंगे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद यार तुम्हारे भाई को किल नहीं मिलता, बस डैमेज भी दे पाता है तुम्हारा भाई, देखो। Marked a location. सो नहीं गया? हाँ ना, अभी खाना आना खा के जा रहा हूँ अभी मैं। नहीं मैं इधर ही चला गई हूँ। एक है रहन पे चला गई हूँ यार। छोड़ो मैं चला गई। तो वही ले? हाँ यार ले आए। उधर अब जब ना कर रही हूँ, मैं इधर से निकल ले हूँ रहन पे से। अब देखो जिस बंदे की पेटी मैंने अभी अभी बनाई वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट बंदा था मिलिट्री बेस का। अब यहाँ पे कोई भी बंदे नहीं है, लेकिन मेरे को सामने की तरफ में अभी एक गाड़ी दिखी थी, शायद से वो बंदा अपने टीममेट को रिकॉइल वगैरह करने जा रहा है, तो देखते जरा उसको भी। अब यार ये बंदा रिकॉइल करने गया था, लेकिन ये बंदा पेड़ के पीछे TPP ले रहा था, इसका मतलब रिकॉइल टावर पे बंदे होंगे, नहीं तो ये बंदा पक्का चला जाता रिकॉइल करने। इसलिए भैया आगे की तरफ जरा फटाफट चेक करके आते, क्या पता वहाँ पे हम लोग को पूरी की पूरी स्क्वाड मिल जाए।
और भाई ये क्या, ये तो सचमुच का चमत्कार हो गया भैया। एक स्क्वाड दिख गया हम लोग को पूरी की पूरी, वो भी ओपन में। गुड जॉब। अब देखो तुम्हारा भाई इन बंदों की जैसी पेटी बनाता है, तभी मेरे को सामने की तरफ एक बग्गी दिखती है। बग्गी में रहते भैया दो बंदे, लेकिन वो बंदे रुकते नहीं है, भाग जाते हैं। और आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि अभी जो मैंने चार बंदों को मारा उसका स्प्रे आप लोगों को कैसा लगा। अगर भैया पसंद आया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो पसंद आने के बावजूद भी लाइक नहीं करते हो यार, ऐसा थोड़ी होता है। फटाफट लाइक करो, और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं तो आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। और यहां से अब निकलते हैं, क्योंकि यहां पे बंदे तो है नहीं। अब देखो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग जो है अलग अलग हो जाते हैं। मेरे तीनों टीममेट एक साथ में थे, तुम्हारा भाई अकेला था। और जैसे मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ तभी लेफ्ट की तरफ से एक गन साउंड आता है और मेरे टीममेट लोग मार्क लगा देते, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। और भैया यहाँ पे एक बंदा नहीं, पूरी की पूरी स्क्वाड रहती है, और मेरे सारे के सारे टीममेट जो रहते भैया वो फेल जाते हैं, और एक बंदे की तो पेटी बन चुकी है। और इस टीम का सिर्फ और सिर्फ लास्ट बंदा बचा है, जो कि भैया अब हमारे ऊपर रश कर रहा है। तो देखना बस, और इनके रिएक्शन सुनना बस रेंडम टीममेट्स के। या भाई हेलकेट दो, हेलकेट हेलकेट हेलकेट। Please recall me. तुम तो पूरे स्क्वाड को मार देती, दो नंबर टैंक। Excellent work. अगर वगैरह हो गया यार, तुम्हारे 14 किलो गए थे जल्दी। Mark the location. रामपुर ग्लेशियर आपके पास। अब सबसे पहले तो मेरे को आप लोग कमेंट करके बताओ कि जिस बंदे ने अभी हैकर वेकर बोला उसका डायलॉग आपको अच्छा लगा, या फिर जिसने पहले बोला था तुम तो पूरे स्क्वाड को मार देती दो नंबर थैंक्स, वो अच्छा लगा मेरे को, आप लोग कमेंट करके बताना। मेरे को तो भैया वो फर्स्ट नंबर ने जो बोला ना, बस वही अच्छा लगा। चलो यार, इन लोग को तो ये वाला क्लच अच्छा लगा है, आप लोग को लगा या नहीं लगा वो भी मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। अगर अच्छा लगा तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना जिसने अभी तक नहीं किया, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बंदे भी कम बचे हैं और किल भी कम ही है अपने। निकलो जल्दी फटाफट यहाँ से। I'm recalling a teammate. अब देखो वहां से निकलने के बाद तुम्हारा भाई आता है पोचिंग की अपने टीममेट को रिकॉइल करने, और रिकॉइल करने के बाद मेरे को यहां पे एक सरकारी ड्रॉप दिखता है। Okay. और ड्रॉप के साथ साथ में ही मेरे को सामने की तरफ एक पूरी की पूरी स्क्वाड दिख जाती है, जिसमें से कि मैं एक बंदे को उतार पाता हूँ, बाकी को बंदों को डैमेज दे पाता हूँ। देखो सामने की तरफ वो टीम तो है ही, साथ में भैया पोचिंग की में भी कुछ बंदे हैं, तो उनसे भी लड़ेंगे। लेकिन Thanks. सबसे पहले वहाँ पे रश करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अपन ने बहुत सारा डैमेज दिया। लेकिन यहाँ पे मेरी बात कहाँ सुनते यार मेरे रेंडम टीममेट्स। देख रहे हो फ्री फोकट का टाइम वेस्ट, भाई कब से बोल रहा हूँ बैठ जा बग्गी में, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात। अरे मेरी तेज ले लो भाई, हेलो 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 भाई। अब देखो अपने टीममेट को रिवाइव देने के बाद इसको मैं उठा के सीधा यहाँ ले आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मेरे को ऊपर की तरफ से तीन तीन फुटस्टेप आने लगते हैं, और यहाँ से भी मेरे को फुटस्टेप आ रहे थे। तो मैं सोचता हूँ कि चलो भैया नेट नूट फेंकते, लेकिन इतने में देखो भाई हर बार ऐसा ही होता है, मतलब तुम किसी दूसरी टीम को मारोगे और पीछे से आकर कोई दूसरी टीम तुम्हारे ऊपर थर्ड पार्टी कर देगी। और यहाँ पे हमारे टीममेट भी कुछ नहीं सुन रहा भैया, जब तक वो टीम आती पीछे वाली, जब तक फर्स्ट नंबर मेरे को रिवाइव दे देता, मैं उससे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि भैया रस मत कर तेरी पेटी बनेगी, लेकिन वो भाई साहब कहाँ बात सुनने में लगे। अगर मेरे को रिवाइव दे देते तो शायद से यहाँ पे हमारा ये अंजाम नहीं होता, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। फोर्थ नंबर यहाँ पे अकेला बसता है, वो भाई अच्छा बंदा रहता है और फटाफट रिकॉइल कर देता है सबको।
अब देखो फोर्थ नंबर ने मेरे को और फर्स्ट नंबर को रिकॉइल किया था, लेकिन फर्स्ट नंबर की वहीं पे पेटी बन जाती है और मैं बच जाता हूँ क्योंकि भैया मैं वहाँ से दूर भग गया था। और उसके बाद तुम्हारा भाई यहाँ पे आता है और अभी अभी एक लौंडे की यहाँ पे पेटी बनाई है। यहाँ पे एक स्क्वाड रहती है जो कि अब हमारे ऊपर रश करेगी। देखो अब मेरे को तो लग रहा था यहाँ पे तीन चार बंदे होंगे, लेकिन भैया यहाँ पे तो सिर्फ सिर्फ दो ही बंदे रहते हैं। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, हमारे पास लूट नहीं थी, कम से कम ये बंदों ने लूट तो दे दी। तो फटाफट लूटते हैं और फिर सीधा निकलते हैं जोन में, और बंदे भी बहुत कम बचते हैं यार। अब देखो इन बंदों की पेटी पुटी लूटने के बाद तुम्हारा भाई जा रहा था सीधा का सीधा जोन में, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक बग्गी दिखती है तो मेरा टीममेट मारने लगता है और बोलता है कि भैया उसके पीछे चलो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि भैया उसको जाने दो, वो बंदा जो है अपने टीममेट को रिकॉइल करने जा रहा है तो उसको जाने दो। लेकिन तुम्हारा भाई यहाँ पे जैसे ही पहुंचता है तभी भैया पीछे की तरफ हम लोग को पड़ने लगती है, तो तुम्हारा भाई फटाफट बग्गी मोड़ता है और सीधा रश करता है उन बंदों के ऊपर। और बस देखो फिर क्या ही सीन होता है आगे जाने के बाद। Marked a vehicle. और भैया यहाँ पे गाड़ियाँ देख के और इतनी सारी पेटियाँ देख के तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाली फाइट होती है। अब यहाँ पे देखो एक बंदे को नॉक कर देता हूँ मैं, सामने की तरफ एक आधी बंदा और रहता है और बाकी के इसके दो बंदे रश करेंगे अभी जो रिकॉइल होने गए हैं। अब यहाँ पे मेरे को एक ही किल मिल पाता है, एक बंदे को टीममेट मार देता है, एक बंदे को मैं मार देता हूँ और अब बच चुका है सिर्फ और सिर्फ लास्ट बंदा, और वो लास्ट बंदा नहीं मिलता हम लोग को। इतना ज़्यादा ढूंढते हैं भैया, पूरा इरेंगल छान मारते हैं जितना भी जोन जोन में था, लेकिन वो बंदा हम लोग को दिखता ही नहीं है। और तुमको क्या लगता है कि ये चिकन डिनर कैसे होगा, वो बंदे को हम मारेंगे या फिर वो बंदा ऑटोमेटिक मर जाएगा? नहीं, सबसे पहले कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो कि वो बंदा ऑटोमेटिक मरेगा या फिर उस बंदे को हम लोग मारेंगे या फिर मेरा टीममेट मारेगा। कमेंट कर दिया, अभी आपको पता चलेगा किसका कमेंट सही था। तो चलो भैया फाइनली हो जाता है हमारा इजी चिकन डिनर। बंदा जो है पता नहीं भाई जोन से ही मर गया, और वो बंदा तो दिखा ही नहीं, बहुत दूर था साइज से। तो चलो गाइस आज के गेम प्ले वीडियो में इतने। तो गाइस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना गाइस अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।